ये 11 लाख का गुलदान है और कैन यू इमेजिन इट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम यार, आज शादी का शॉपिंग का सॉरी दूसरा तीसरा दिन है, तीसरा नहीं हमारे लिए तो आई थिंक छठा पांचवा दिन है। और अभी मैं और हसन आ गए हैं पहले वी मॉल, वो साइजिंग कंफर्म करनी थी कोट वगैरह की, वो लिया था। और अभी वो भाई लोग आ रहे हैं, बिलाल लोग आ रहे हैं सारे, तो वो आके कंफर्म करेंगे। तो अभी मैं ट्राई कर देता हूँ अपना साइजिंग वगैरह दे के, तो बाय कर लेते हैं। ख़त्म हो जाएगी कि नहीं? We are deciding this coat. अगर पसंद आ जाए तो क्या बात है, अगर ना आए तो फिर भी क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोट वगैरह ले लिया है, डिसाइड कर लिया है, मलीमे की ड्रेसिंग डिसाइड हो गई है। तो यार शॉपिंग हो गई है डन, ऑलमोस्ट 70% हो गई है और फुटवेयर रह गए हैं। फुटवेयर के साथ साथ मेहंदी का सूट भी रहता है, वो भी अभी डिसाइड करना है, लेकिन आज नहीं, आज टाइम काफ़ी हो गया है। वलीमे के लिए, बारात के लिए तो डिसाइड हो चुका है एवरीथिंग, बस तेल के लिए रह गया, मेहंदी के लिए वो डिसाइड करना है, और वो किसी और दिन करेंगे। शूज़ भी लेने हैं, अभी वैसे काफ़ी काम पड़ा हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं घर, हसन ने आज मुझे बहुत निराश किया। तो यार अभी हम आए इधर अलफतेह, यह इधर काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, एक 11 लाख का गमला गुलदान है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये हसन कह रहा था मैंने देखना अलफतेह, तो इसलिए हम इधर आ गए। ये 11 लाख का गुलदान है और कैन यू इमेजिन इट। और दिस इज मोस्ट एक्सपेंसिव मॉल, काफ़ी महंगी चीज़ें भी हैं, बहुत बहुत महंगी चीज़ें। अभी मैंने आपको दिखाया ना 11 लाख की एक चीज़ एंटीक पीस जो है, कोई तुक बंदा इतनी प्राइस का नहीं ना बंदा, क्यों हसन भाई, व्हाट यू से ब्रो? 11 लाख में क्या वो मतलब क्या देता है आपको? व्हाट यू मीन? कुछ एक्सप्लेन प्लीज, व्हाट यू वांट टू से दैट? नहीं मतलब फालतू 11 लाख की गुलदान ही है ना, मतलब कोई काम की चीज हो जिसने कुछ आउटपुट देनी हो बंदा 11 लाख जस्ट लाइक कोई गाड़ी हो जाए, हां फर्नीचर हो जाए, जिससे आपको कोई लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई बेनिफिट मिले, वो हो सकती है। 11 लाख रुपए बंदा किसी चीज के दे, बेवकूफी होगा जो खरीदेगा, और बनाने वाला उससे बड़ा बेवकूफ है। अच्छा, जिसने 11 लाख रुपए लगा बस कोल्ड कोल्ड। हसन को दाल चावल बहुत ज्यादा पसंद है, और हम इधर से गुजर रहे थे, बग्गा दाल चावल नहीं है जिधर, वो वाले चौक से, तो हसन कहता है दाल चावल मैंने खाने हैं, हर हाल में खाने हैं और खा के छोड़ने हैं, मुझे नहीं पता। हाँ जी हसन साहब, मजा आ रहा है? यस, और काफ़ी टेस्टी है यार, आप ट्राई करिएगा, ये मोरी गेट के पास है। तो दाल चावल पसंद थी हसन की, और मेरी पसंद है शकरकंदी, और दिस इज़ द बेस्ट शकरकंदी इन द टाउन। और ये शकरकंदी आ गई है, शकील भाई हैं, ये अपना ठेला लगाते हैं फाइव स्टैक के सामने, ठीक है, और ये ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी और टेस्टी यमी और मज़े की शकरकंदी है। असल में ये आपको नहीं पसंद? पसंद है। कितनी? नॉर्मली नॉर्मली मीन्स मतलब कि ज़्यादा कोई इतफाक नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, तो यार आप आइएगा इधर, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की, यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा, और हैव अ एंजॉय।
प्रॉपर एड्रेस बता देता हूँ, ये किधर अपना ठेला लगाते हैं, ये आइसटैग वाले, ये आइसटैग आइसक्रीम वाले हैं, वो सामने ईटमोर, और ये बिल्कुल उनके सामने इनका ठेला है। तो आप इधर आके खा सकते हैं, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये मज़े की नहीं है। तो यार ये व्लॉग था 16 नवंबर का, और उसके कुछ दिन बाद हम फिर निकल पड़े शॉपिंग करने, और शादी का कार्ड भी रन हो गया। तो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, वो माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो एज़ यू नो, शादी की शॉपिंग एक या दो दिन में पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहें कि एक दिन में शादी की शॉपिंग हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है भाई। तो अभी यार हम आए हैं इधर एडिव, और इधर से शूज़ वगैरह ट्राई करने हैं, सारे फुटवेयर। और अभी बिलाल की शूटिंग है वलीमे के लिए, वो भी डिसाइड करनी है। आज काफ़ी ज़्यादा काम है, और आज कोशिश करनी है कि सारे काम जो है ना वो ख़त्म हो जाए, और जो बस अब जो दूसरे काम रह जाएंगे वो होंगे। ये शॉपिंग वाला काम तो ख़त्म करें ना यार, काफ़ी दिन हो गए खज्जल होते हुए। Now Bilal is deciding his suit for Mehndi. Bilal, you looking, you know. इफ्ती आपको क्या हुआ है? क्या हो गया? चलो ठीक है, इधर करो बिलाल, जरा सबको दिखाओ। Hit like for Bilal. Hit like for Bilal. Bilal, you are looking mashallah so handsome. इसके नीचे ट्राउजर कौन सा है? बिलाल कौन सा नीचे स्टाइल दिखाओ? दिखाओ। नहीं अच्छी, जबरदस्त है यार। हाँ वो तो मस्त है। बाय द वे, ये वाला सूट हमने नहीं ख़रीदा, क्योंकि दुल्हा भाई के पास ऑलरेडी ब्लैक शेड में ना एक दो सूट हो गया था, तो हमने कैंसिल कर दिया। बट तो आपके भाई ने ये एक स्वेटर लिया है बाबा से, बिलाल ने शर्ट ली है, पैंट ली है, और अभी जूस क्या, अभी जूस बाकी है, अभी सूट बाकी है। तो बिलाल आपको कैसा लग रहा है, आपकी शादी है और आप अपनी शादी की तैयारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं? मैं आपको आफ्टर शादी बताऊंगा कि क्या नहीं कर रहा हूँ। ये वाली फीलिंग बाद में नहीं होगी, क्योंकि आप अभी शादी कर रहे हैं। वो मैं बयान नहीं कर सकता इस टाइम, क्योंकि फीलिंग है मेरे अंदर, क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई और आप शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा तो बता देना कैसा भी अल्फाज नहीं है कि क्या बयान करूँगा। इतनी खुशी अल्फाज ही नहीं है कि क्या बयान करूंगा। लाल कह रहा है मुझे इतनी खुशी है कि मेरे अल्फाज जो है ना भाई पे निकल रहे हैं। ये हमारे भाई है, ये मुझसे बड़े हैं, इनकी अभी शादी होनी है। इफ्तार मुगल। तो अभी यार ये शूज ट्राई कर रहे हैं, और काफी टाइम हो गया घूमते हुए, अभी पता नहीं पसंद आते हैं कि नहीं। नारायण जाती है, और हम इस टाइम अर्बन सोल वालों के पास हैं, उनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन है प्योर लेदर में।
कुछ नए स्टाइल भी हैं। विकी ये चेक करो यार बोल। आउटस्टैंडिंग। नहीं। नहीं। दूसरा क्या? नहीं। मेरे यार होगा। जी भाई जान आपके मिले? मेरे यार होगा। ये भाईजान को हर चीज चाहिए फिटिंग में। यार ये शर्ट तुम्हारी खुली है यार थोड़ी। मैं सोच रहा हूँ ये आज फिटिंग करवाऊंगा। अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे शूज है यार। नहीं अच्छे यार, तुम्हारी चॉइस नहीं अच्छी, शूज अच्छे हैं। तो यार अभी शूज ट्राई कर रहे हैं और कोई पसंद ही नहीं आ रहा, निकले हैं दीवाने अनजानी गलियों में। ला 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 ला। बिलाल की जो चॉइस है ना शूज में, वो कह रहा है मैंने लेने हैं कोई 12-20 हज़ार वाले, इससे नीचे मैंने नहीं लेने। और हम उसे कह रहे हैं भाई हाथ थोड़ा होला रखो, हाथ होला, हाथ होला भाई, अच्छे लग रहे हैं यार, क्या हो गया? यार एक मजे की चीज बताऊं, हमें उस दिन भी शूज नहीं पसंद आया, तो पता नहीं क्यों, कोई अच्छे ही नहीं थे लग रहे, कोई पसंद ही नहीं थे आ रहे। तो एनीवेज आप शादी का कार्ड चेक करें जरा, शुभ करें आप जी। ये शादी का कार्ड, बिलाल की शादी का कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये वुड प्लाई का बना हुआ है और माशाल्लाह काफी खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं। आपको मैं मजे की चीज दिखाता हूँ, एक ये देखें, आपके भाई का नाम इंजीनियर मुरीद हुसैन, बस सारे पैसे इसी के हैं। क्यों बिलाल? तो अभी हम यहाँ निकले हुए हैं शूज लेने, ड्रेसिंग करनी है ना वो अच्छी सी, शूज लेने हैं और ये कार्ड देने हैं कुछ रिलेटिव्स के घर। तो अभी बस उसी कामों में निकले हुए हैं, आज अल्लाह करे शूज पसंद आ जाए। तो फाइनली यार इस दिन हमें शूज पसंद आ गए और काफी मुश्किल से पसंद आया। तो ये फेज शादी का सबसे मजे का फेज होता है, तो काफी इंजॉय किया हमने, काफी मजा आया, यकीन करें बहुत मजा आया। ये 5 दिन का इवेंट्स थे, 5 दिन की शादी थी। तो आगे चल के आपको शादी के ब्लॉग्स दिखाऊंगा, मेहंदी का, तेल का, बरात का, वलीमे का, एवरीथिंग। तो एंड पे पिक्चर्स भी मैं दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उनको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।